क्रिसमस के अवसर पर मसीही समुदाय द्वारा प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशियां मनाने की तैयारियां अंतिम दौर पर हैं, जिसके तहत मंगलवार को क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक में फादर डी आर लाल के नेतृत्व में कैंडल लाइट का आयोजन किया गया। इस दौरान डी आर लाल ने कैंडल लाइट पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रभु यीशु मसीह पाप के अंधकार में ज्योति बनकर आए थे। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग तत्व और जीवन मैं हूँ। दीपक जलाकर कभी नीचे नहीं रखना चाहिए बल्कि ऊंचाई पर रखना चाहिए, जिससे उसकी रोशनी अन्य लोगों तक पहुंचने पाए। हमारा कर्तव्य है हम भी अपने चरित्र से, व्यवहार से, अपनी ईमानदारी से, अपने प्रेम से वो प्रकाश जो प्रभु यीशु ने दी है हम दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भी जीवन प्रकाशमय हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फादर डी आर लाल ने कहा। जो ज्योति है उनकी ज्योति दूसरों तक पहुंचाना, कि धार्मिक स्थलों और आराधना भवनों को भी जनमानस के लिए बंद कर दिया गया। प्रिय, मेरे निजी विचार से यही कारण रहा कि यथासंभव मानवीय प्रयासों के बावजूद इस महामारी पर अभी तक पूर्ण रूप से सारे विश्व में नियंत्रण प्राप्त नहीं किया जा सका है। फिर भी ये अस्थायी स्थिति है। क्रिसमस के आयोजन आप जानते हैं कि दिसंबर मास, या ये कह लीजिए कि जो 25 तारीख के पहले के चार इतवार होते हैं, उस समय से सारे विश्व में आमद के रूप में, एडवेंट संडे के रूप में चारों इतवार मनाए जाते हैं और क्रिसमस की तैयारी होती है। सांसारिक रूप से लोग इसे क्रिसमस या क्रिस्त या यीशु मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो तैयारियां होती हैं वो लोग समझते हैं ये एक माह पूर्व जो है तैयारियाँ, वो सांसारिक तैयारियाँ होती हैं, जैसे कि त्यौहार को मनाना हुआ, कपड़े बनवाने हुए, मिठाई गुजिया केक बनवाना हुआ, लेकिन वास्तविक जो बाइबल का अर्थ है एडवेंट का, या आमद के रविवारों का, या क्रिसमस से पूर्व की तैयारियों का, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे और उन्होंने अपने बलिदान को दिया और फिर जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि मैं पुनः आऊँगा जब इस संसार का अंत होगा, ताकि मानव जाति के कार्यों का वो न्याय कर सकें न्याय सिंहासन में बैठ के। और जब वो आएंगे तो इस संसार में जो हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हमको पारितोषिक मिलेगा या दंड मिलेगा। दंड होगा नर्क का और पारितोषिक होगा स्वर्गीय अनंत काल के जीवन का। तो मनुष्य के रूप में हमें जो वर्ष मिलते हैं अपने जीवन काल के, 70 वर्ष, 80 वर्ष या 60 वर्ष जो भी हैं, उसमें हमें अपने जीवन को आत्मिक रूप से तैयार करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उनके बताए गए निर्देशों और रास्तों पर चलें। और सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई है वो प्रेम का, कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मानव जाति से, सारे जगत से प्रेम किया, इसलिए उन्होंने सारे जगत के उद्धार के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि अपने बलिदान के द्वारा, क्रूस पर जो उन्होंने बलिदान दिया, तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर दोबारा आऊँगा जब इस संसार का अंत होगा। तो ये क्रिसमस की तैयारी तो हम मनाते हैं उनके इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म दिवस के रूप में,
इससे क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन उसके पहले की जो पूर्व के चार इतवार होते हैं जिसे हम एडवेंट संडे या आगमन का रविवार बोलते हैं, वो वास्तविक रूप से हमारी आत्मिक तैयारी के लिए होता है कि हमारा जीवन कहाँ है, हम कैसे पाए जाते हैं, कैसे कार्य करते हैं, हमारा व्यवहार क्या है, आचार क्या है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, और सबसे बढ़ के जो मैंने बताया आपको कि प्रभु ने कहा है प्रेम करो एक दूसरे से, क्या हम संसार में वास्तविक रूप से एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्योंकि आप अंदाज लगाएं कि इस पूरे विश्व में अगर लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगें तो इसका स्वरूप ही बदल जाएगा, तमाम तरीके के वैमनस की भावनाएँ दूर हो जाएंगी, तमाम तरीके की कटुताएँ दूर हो जाएंगी और हम सब भरपूर जीवन जियेंगे। तो हमारे क्रिसमस के पहले हम जो तैयारी करते हैं वो जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके पहले विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों के द्वारा, जैसे आज कैंडल लाइट सर्विस है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और आज हम इस कैंडल लाइट सर्विस में कैंडल जला के उनके निर्देशों को, उनकी बातों को याद करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दीपक जला के कोई दीवट के ऊपर रखता है, नीचे नहीं रखता, उसका कारण ये होता है कि अन्य लोग उससे ज्योति प्राप्त करें, और अन्य लोग ज्योति तब प्राप्त करेंगे जब वो ऊंचाई स्थान पर रहेगा। तो उन्होंने इस तात्पर्य से हमको बताया है कि हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, हमको जो निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देशों को, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमको संसार के अन्य लोगों तक पहुँचाना है, ताकि उनके जीवन में भी उजियारा आ सके, प्रसन्नता आ सके, आनंद आ सके और भरपूर जीवन जीवे। क्रिसमस का यही उद्देश्य है।